Hello friends, welcome to Rough Diary. Today I am going to teach you about movements of India with tricks. ठीक है, तो सबसे पहले we are discussing about आत्मीय सभा. आत्मीय सभा that mean आत्मा तो एक ही होता है. तो आत्मीय सभा का main aim था monotheism, मतलब कि ईश्वर एक हैं, इसका बढ़ावा देना. तो आत्मीय से आप आत्मा एक है और मोनोथीज़म माने मोनोथीज़म मतलब एक भगवान में विश्वास रखना. इसलिए आत्मीय सभा का ये फाउंड किया गया था 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा. और राजा राम मोहन ने दूसरा ब्रह्मो समाज बनाया था कलकत्ता में 1828 में, जिसका मेन एम था जितने भी इविल्स हैं, बुराई हैं, मतलब हिंदू समाज में उसको निकालना था. ऑलमोस्ट सेम था, आत्मीय सभा जैसा ही इसका फंक्शन था. इसमें एक सती प्रथा जुड़ जाता है, एक सती प्रथा के वो हटाने के लिए ये बनाए थे. फिर आता है तत्व बोधिनी सभा. तत्व बोधिनी सभा को 1839 में कलकत्ता में फाउंड किया गया था दादा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. ठीक है, इसका एम था जो राजा राम मोहन का एम था, वही इनका भी एम था. अगला आते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी. तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेटर नोन एज आदि ब्रह्मो समाज एंड इट वॉज फाउंड बाई केशव चंद्र सेन इन कोलकाता. क्योंकि कोलकाता पहले वेस्ट बंगाल जो था शासन का हब हुआ करता था, तो इसलिए वहाँ पे मूवमेंट भी ज़्यादा हुआ करते थे. तो आपको याद हो गया होगा कि केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. ठीक है, अब प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में हुआ था. इसका जो फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग. इसका मेन एम था रिलीजियस रिफॉर्म करना. इसमें एम जी रनाडे एंड आर जी भंडारकर भी ज्वाइन किए थे बाद में. छठा है आर्य समाज. आर्य समाज तो वेरी कॉमन फॉर ऑल, कि दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में बॉम्बे में. एम इसका था कि हिंदुइज्म एंड प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिंदूज. थियोसोफिकल सोसाइटी. थियोसोफिकल, थियो से मतलब होता है गॉड्स रिलेटेड चीज. और सोसाइटी ये 1875 में न्यूयॉर्क में बना था, मतलब पहला संस्थान जो कि मतलब इंडिया से बाहर बना था, लेकिन इंडिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए बना था. इसके बाद लाला हरदयाल ने और ताराकांत ने जाके सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाया था, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी पहला है. तो ये नाम भी थोड़ा इंग्लिश है, तो इसलिए इसकी जो फाउंडर थी वो इंग्लिश ही हैं. मतलब ये जब आर्य समाज इंडिया में बन रहा था तब ये मतलब न्यूयॉर्क में बन रहा था. तो मैडम एस पी ब्लाट्सकी एंड कर्नल एच एस ऑलकॉट. ठीक है, मद्रास में. और मद्रास में जब एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट चला रही थी अध्यायर में, तो उसी समय ये मतलब बना था. और एनी बेसेंट ने इसको बाद में ज्वाइन भी किया था. और इसका काम था यूनिवर्सल ब्रदरहुड फॉर मैन, मतलब भाईचारा फैलाता था. ये रामकृष्ण मिशन एज वी नो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस 1897 में बेलूर में स्वामी विवेकानंद द्वारा. एम इसका था ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क. ये रामकृष्ण उनके परमहंस जो थे उनके गुरु थे. और फिर आ जाता है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया. तो हम सब जानते हैं कि गांधी ने बहुत देश को सर्व किया है. तो गांधी के जो गुरु थे उन्होंने इस चीज़ को बनाया था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया. गोपाल कृष्ण गोखले जिनका नाम है. और ये कैसे देश की सेवा की जाए, मदरलैंड की मातृभूमि कैसे सेवा की जाए, इसका उन्होंने इस मतलब इसको प्रोपोगेट किया. अब आ जाते हैं धर्म सभा. तो धर्म
धर्म से धर्म का ना थे, धर्म की विजय हो, धर्म का बात कौन करता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो उससे नाम जुड़ा हुआ है राधाकांत, राधा राधा और कृष्ण, तो राधाकांत देव हैज स्टार्टेड धर्म सभा, ठीक है, इमर्ज टू काउंटर ब्रह्मो समाज। तो एक मतलब राधाकांत देव जो थे ये ब्रह्मो समाज यानी राजा राम मोहन का जो सोसाइटी था उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। अब वहाबी मूवमेंट, वहाबी यानी सिंपल ये एक मुस्लिम, वो जैसे कि जो दाढ़ी रखते हैं सैयद अहमद रोहिलखंड में, उन्होंने वलीउल्लाह का टीचिंग को ये पॉपुलराइज किए। और आगे आ जाता है परमहंस मंडली, तो जैसे कि प्रार्थना समाज का था आत्माराम पांडुरंग, तो परमहंस मंडली का है दाडोबा पांडुरंग, ठीक है। यूनिटी ऑफ गॉड हेड, और ये कास्ट के अगेंस्ट थे, और ये 1849 में इन्होंने इसको फाउंड किया था। देव समाज, देव समाज लाहौर में, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री, तो देव समाज 1887 में लाहौर में हुआ था। और देव से देवा समाज, मतलब देव समाज से पता चलता है कि भगवान से रिलेटेड, इसलिए इसका जो फाउंडर था वो भी पूरा भगवान के नाम के जैसा ही है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव भी नारायण भी और अग्नि, अग्नि को भी देवता मानते हैं, तो देव समाज। हेवर्ड कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द ब्राइब टेकिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब ये घूसखोरी और जुआ के खिलाफ थे, ठीक है। इंडियन वुमेन एसोसिएशन, मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जब वो होम रूल लीग मूवमेंट चला रही थी, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक और दूसरी तरफ ये, तो उस समय मद्रास में एनी बेसेंट ने मतलब इस इंडियन वुमेन एसोसिएशन को फाउंड किया, एस्टेब्लिश किया, और इसमें अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन की बात की। सोशल सर्विस लीग, तो 1911 में जब मतलब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमारे जोशी जी इतने जोश में थे कि उन्हें सोशल सेवा करने का इतना जोश भरा हुआ था कि उन्होंने सोशल सर्विस लीग ही बना दिया। जैसे आजकल इंडियन प्रीमियर लीग होता है क्रिकेट में, लोग क्रिकेट के लिए जोश में हैं, इसलिए उस समय जोशी जी, NM जोशी जी जो थे सोशल सेवा करने के लिए जोश में थे। सेवा सदन, सेवा सदन, तो सेवा सदन बेरहम जी एम मालावारी, मतलब बेरहमी से जिसको पीटा जाता था उसका सेवा करते थे, तो सेवा से बेरहमी का बड़ा ये तालमेल है। 1885 में जब कांग्रेस एक बन रही थी उस समय ये सेवा करने में लगे हुए थे, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे एंड फोर्स्ड वीटो, ठीक है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा न्यू दिल्ली में बाई मदन मोहन मालवीय, एंड मदन मोहन मालवीय हैज़ वर्क फॉर BHU विच इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ही डिड अ लॉट फॉर हिंदूज, एंड इन 1915 ही फाउंडेड अखिल भारतीय हिंदू महासभा, एंड इन 2015 ही गॉट द भारत रत्न अलॉन्ग विद रिवर वाजपेयी। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी लुइस विवियन देवरोजी जर्नल, एम अपोज द वाइस एंड सोसाइटी एंड ट्रूथ, मतलब देवरोजी, देवरोजी वॉज यंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड रिमेनिंग पार्ट आई विल कवर इन द सेकेंड वीडियो।